गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने समतल गति में का उदाहरण स्टार्ट किया है, जिसमें कि प्रक्षेप्य गति शुरू किया था। और कल का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था प्रक्षेप्य गति का। अभी तक हमने उसमें कोई भी चीज गणना नहीं की है, कैलकुलेशन नहीं की है। तो आज के क्लास में हम जा रहे हैं कैलकुलेशन करना, जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन आपको डिराइव करने के लिए अवश्य आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा गणना रहेगा, हम क्या कर रहे हैं, प्रक्षेप्य गति में गणना करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जो जो चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। ठीक, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जब भी आप किसी पिंड को या वस्तु को जब आप फेंकते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं, तो वो कितने समय तक हवा में रहता है, हवा में यात्रा करता है, और उस समय को हम फिर उड्डयन काल के नाम से जानते हैं। ठीक, कोई भी चीज हम जब फेंक रहे हैं, जितने टाइम तक वो हवा में है, उसको हम उड्डयन काल कहते हैं। तो कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले आप वो देखिए, कल हमने एक डायग्राम बनाया था। कैसा डायग्राम था हमारा, कुछ ऐसा था। यहां से हमने किसी प्रक्षेप्य को फेंका, वो ऐसे गया और यहां पे जाके फिर गिर गया। ठीक, ये हमारा नीचे का क्या है, सतह है, ग्राउंड है। और अभी तक इसमें हमने क्या देखा था कि ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला हमारा कौन सा दिशा है, ऊर्ध्वाधर दिशा है, जिसमें हमने इसको क्या नाम दिया था, UI दिया था। और ये वाला क्या है, UX है। यहां पे एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा, और जब हम इसको किसी वेग के साथ फेंकेंगे, प्रारंभिक वेग इसका होगा, जिस तो ये कुछ हमने इसको ऐसे फेंका पिंड को, तो ये बनाया U। U क्या है, उसका प्रारंभिक वेग, जिस वेग से आप वस्तु को किसी को फेंक रहे हैं, और धीरे धीरे ये ऐसे पैराबोला बनते हुए, वक्र बनाते हुए, और ग्राउंड तक नीचे गिर जाता है। और हमने क्या देखा था कि नीचे जब ये गिरता है तो इसके पास एक्सिलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसका फार्मूला क्या होगा, माइनस जी। और किधर होता है एक्सिलरेशन, नीचे की ओर लगता है। इतनी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। और यहां पे हमने डिराइव किया था कि यूएक्स बराबर हम कितना लिख सकते हैं, यू, ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्स पे है, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यूआई को हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर में हम हमेशा क्या लिखते हैं, यू साइन थीटा लिखते हैं, और जो क्षैतिज वाला होता है उसमें हम कॉस थीटा लिखते हैं। यहां तक हमने पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उड्डयन काल का पता करना है, यानी टी हमें पता करना है कि ये कितना होगा उड्डयन काल। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, तो वो जैसे ही हम वस्तु को फेंकेंगे तो वो किधर जाएगा, पहले ऊपर फेंकेंगे। अगर वो वस्तु उड्डयन काल में है, उड्डयन में है, फ्लाइट में है, हवा में है, इसका मतलब वो ऊपर होगा। अगर वो ऊपर है तो इसका मतलब हमें अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है, किस दिशा में, हमें अपनी कैलकुलेशन ऊर्ध्वाधर दिशा में करनी है। हर प्रक्षेप्य गति के पास दो टाइप की गतियां होती हैं, हमने कल चर्चा किया था। एक होता है क्षैतिज गति और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर गति, दो दिशाओं में, एक ऊपर की ओर, एक क्षैतिज की ओर, हॉरिजॉन्टल। तो जब हम बात करते हैं उड्डयन की, तो हम चीजों को ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो जब ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो इसमें हम गणना करेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति हो रहा है, इसमें हमें क्षैतिज गति से कोई मतलब ही नहीं है। जब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर की, तो आपको केवल इसको देखना है ऊपर के तरफ, इधर आप बिल्कुल नोटिस नहीं करेंगे, हमको हॉरिजॉन्टल से यानी क्षैतिज से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए, आप किसी चीज को ऊपर फेंके, ऊपर फेंके, और फिर वो चीज ऊपर गया, जब जितने समय तक वो ऊपर रहा, इसका मतलब वो उड्डयन काल में है। और जैसे ही वो एक समय के बाद नीचे आके फर्श पे गिर गया, नीचे ग्राउंड पे गिर गया, तो इसका मतलब उसका कुल विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन कितना हुआ, जीरो हुआ। जितना गया, यहां से फेंका आपने और गया, और फिर नीचे आके गिर गया, कुल विस्थापन जीरो हुआ। तो चलिए, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हमें बहुत सारी राशियां चाहिए, उन राशियों को हम बैठाएंगे इक्वेशन में, तब जाके हमारा टी निकलेगा। तो हमने माना कि ये टी जो है, इसको हम मान लेते हैं टी, कैपिटल टी, जिसे हमें फाइंड आउट करना है।
इसके बाद हम बात करें विस्थापन की। विस्थापन किस दिशा में होगा? ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, ऊपर की ओर। तो इसको हमने माना ऊर्ध्वाधर दिशा यानी वर्टिकल में। तो एस बी बराबर, इसको हमने वाई डायरेक्शन दिया, तो वाई ये कितना हो गया हमारा? जीरो हो जाएगा। ठीक, ये विस्थापन हमारा जीरो हो गया वाई की दिशा में। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब हमें एक चीज पता है कि जब भी कोई भी चीज ऊर्ध्वाधर में है तो उसमें उसके पास क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो त्वरण का मान हमारे पास उपलब्ध है, ए बराबर माइनस जी। ठीक, अब इक्वेशन क्या लगाएं इसमें? देखिए, हमारे पास ए है, विस्थापन है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो आपने गति के समीकरण पढ़े हैं, तीन समीकरण पढ़े थे। तो यहां पे जो हमारा समीकरण लगेगा, तो यहां पे प्रयोग करेंगे आप गति का कौन सा समीकरण? दूसरा समीकरण प्रयोग करने पर। जैसे ही आप गति का दूसरा समीकरण प्रयोग करेंगे तो उससे आप t का वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या था फॉर्मूला? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही था, पढ़ा था ना आपने। s क्या है यहाँ पे? अब वैल्यू पुट कर दीजिए। s कितना है यहाँ पे? विस्थापन जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि आप कोई भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर की दिशा में फेंकेंगे, फिर वो आके नीचे गिर जाएगी, तो गिर जाएगी तो विस्थापन जीरो हो गया। और u यानी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग हमारे पास है कौन सा है? हम कौन सा लेंगे, ui वाला लेंगे कि ux वाला? ux वाले से हमें मतलब ही नहीं है, तो u का मान हम क्या रखेंगे? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि u का मान जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा? u sin थीटा, क्योंकि हम ऊपर की बात कर रहे हैं। तो u के जगह पे आप लिखेंगे u sin थीटा। इसके बाद टाइम t को आपने कैपिटल T माना है, तो यहां पे कैपिटल T कर दीजिए, प्लस हाफ a, a का वैल्यू कितना? माइनस g, ब्रैकेट बंद, t का स्क्वायर। इतनी चीजें हो गई। अब यहां से आप t को कॉमन ले लीजिए, जीरो बराबर t को जब कॉमन लेंगे, जब दो जगह है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर से बचेगा u साइन थीटा प्लस, प्लस मत लिखिए यहाँ पे, देखिए प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट माइनस लिखते हैं और ये हो जाएगा जी अपॉन टू और इनटू में टी। यहाँ पे स्क्वायर है, एक कॉमा ले लेंगे तो इनटू में टी बच जाएगा। अब ये टी जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा जीरो, ये टी जब इधर गया तो ये कितना बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा यू साइन थीटा माइनस जी अपॉन टू टी बराबर जीरो। इतनी चीजें हमारे पास बचेंगी। ठीक, दिख रहा है? ठीक। इसके बाद देखिए, अब यहां से इसको इधर ले जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको क्या चाहिए? हमको बस t बचाना है। तो ये इधर जाके क्या करेगा? बनाएगा, ये बना लेगा आपका t बराबर, हमें बचाना है तो t बराबर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये बच जाएगा टू यू साइन थीटा। ठीक, और इसके साथ g इंटू के इंटू है t के साथ, तो ये नीचे जाके डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन टू यू साइन थीटा अपॉन g। ये क्या है हमारा? उड्डयन काल, जिसे हमें लाना था। ठीक, क्या आया है? टू यू साइन थीटा अपॉन g। कैसे आया, समझ में आया ना? इसको हमने इधर करके इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए एक स्टेप और कर देता हूं मैं, टू यू साइन थीटा माइनस जी अपॉन टी, और इधर जाके क्या बनाएगा? जीरो बनाएगा। आपको टी को यहां बचाना है, तो ये जब इधर जाएगा इक्वल टू के बाहर तो माइनस में हो जाएगा, यहां भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो टी के साथ जी था वो नीचे जाके डिवाइड कर दे। ठीक, तो ये आ गया हमारा उड्डयन काल। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला कैलकुलेशन लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। टू यू साइन थीटा अपॉन जी, अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया? टी का मान ज्ञात किया, कितना आया? टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, ये क्या है? उड्डयन काल है।
अब हमें ज्ञात करना है दूसरे स्टेप में प्रक्षेप का महत्तम ऊंचाई, महत्तम मतलब सबसे अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमें इसका ज्ञात करना है, किसका? प्रक्षेप का। अगेन देखिए आप, अगर हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन किधर होगा, क्षैतिज गति में होगा कि ऊर्ध्वाधर गति में होगा? तो आंसर है कि ऊर्ध्वाधर में ही होगा, क्योंकि हाइट हमें इधर ही मिलेगी। इधर से इधर हमें क्या मिलेगा, हमने कल पढ़ा था कि क्षैतिज में हमें क्या मिलता है, परास मिलता है। तो इधर जो हमारी गणना होगी क्षैतिज दिशा में, वो परास की होगी, हाइट की नहीं होगी। तो हाइट हमें किधर मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ये यहां से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स। ठीक, हाइट यहां भी है, हाइट यहां भी है, लेकिन जो मैक्सिमम हाइट है वो हमें कहां पे मिलेगी, यहां पे मिलेगी। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब प्रारंभिक वेग कुछ क्या होगा, यू साइन थीटा ही होगा अगेन, क्योंकि हम ऊर्ध्वाधर दिशा में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यू साइन थीटा को ही लेंगे। सॉरी, और जो हमारा अंतिम वेग होगा जब वस्तु यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को रीच करेगी, तो जो हमारा अंतिम वेग होगा वो होगा हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें एच मैक्स का मान ज्ञात करना है। तो एच मैक्स है क्या वास्तव में, वो एक विस्थापन ही है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ही है। अगर यहां से कोई भी चीज यहां जा रहा है और फिर नीचे आ जा रहा है, ठीक, तो ये एस कुल मिला के क्या है, विस्थापन ही है, हम उसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, एस को ही हम मान के चलेंगे क्या, एच मैक्स। ठीक, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। इसके बाद हम क्या लेंगे, ए का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, माइनस जी होता है। ऊर्ध्वाधर में हम गणना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यू का मान, यू साइन थीटा। यू क्या है हमारा, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग है, ठीक, यू है हमारा प्रारंभिक वेग। अगर हम बात करेंगे अंतिम वेग की, तो अंतिम वेग को हम किससे दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं, और अंतिम वेग हमारा जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज जा रहा है ऊपर वो एक समय में आके ग्राउंड पे आएगा, रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। ठीक, अब कौन सा हम गति का नियम लगाएं कि हमें एस मिल जाए, क्या हमारे पास टी है यहाँ पे, टी अगर हमारे पास यहाँ नहीं है तो हम गति का ये पहला और दूसरा नियम नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम गति का कौन सा लगाएंगे, गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, यही था। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वी का मान जीरो अगर है तो यहाँ जीरो हो गया, माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी ये वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में टू ए का मान माइनस जी, तो यहां हो जाएगा जी और इधर माइनस लगा दीजिए। एस का मान कितना है, एस को ही हमने एच मैक्स माना है, यही हम गणना कर रहे हैं, ये हो गया एच मैक्स। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर टू जी एच मैक्स। तो एच मैक्स हमारे पास आ जाएगा, ये इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये आ गया हमारे पास एच मैक्स यानी महत्तम हाइट। ठीक, दिख रहा है ना, ये g है नीचे, तो ये आ गया हमारे पास h max महत्तम हाइट। तो हमने फिर क्या कैलकुलेट किया, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया, कितना कैलकुलेट किया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक, तो दो चीजें हमने गणना कर ली। अगर आपसे अगर बात करें, पूछा जाएगा कि महत्तम हाइट का प्रक्षेपण कोण क्या होगा, मतलब किस कोण पे हम महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, तो महत्तम ऊंचाई को अगर प्राप्त करना है आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा, जो थीटा का मान है, मतलब इस पूरे वैल्यू को आपको साइन थीटा को क्या बनाना पड़ेगा, वन बनाना पड़ेगा। तो वन तभी बन सकता है जब थीटा का मान आप 90 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि साइन थीटा कितना होता है, वन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि
महत्तम, इसको भी नोट कर लेंगे आप, महत्तम ऊंचाई का, महत्तम ऊंचाई के लिए प्रक्षेपण कोण, महत्तम ऊंचाई के लिए प्रक्षेपण कोण आप कितना रखेंगे, थीटा का मान आप 90 डिग्री रखेंगे। जब आप 90 डिग्री रखेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, एच मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये हो गया मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महत्तम ऊंचाई के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होगा, तो आप बताएंगे 90 डिग्री होगा थीटा का मान। कितना मिलेगा हमें महत्तम ऊंचाई 90 डिग्री रखने पे, तो वो हमें मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, तो इसे भी आप नोट कीजिए। चलिए अब तीसरी गणना हम करेंगे, तीसरी गणना हम करेंगे प्रक्षेप्य का परास। अब परास ज्ञात करेंगे, प्रक्षेप्य का परास, परास को इंग्लिश में बोला जाता है रेंज। ठीक, तो रेंज ज्ञात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल का। अब देखिए परास हमें कहां मिलता है, तो हमें पता है कि परास हमें ऊर्ध्वाधर में नहीं मिलता, बल्कि किस गति में मिलता है, क्षैतिज गति में। तो ये हमारा हिस्सा क्या बताता है, ये बताता है परास, जिसे हमें ज्ञात करना है। परास को हम डिनोट करते हैं आर से, आर फॉर इंग्लिश में हम उसको रेंज बोलते हैं, इसलिए आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, कैसे हम इसका गणना करेंगे। तो ये परास यहां से यहां तक क्या है, ये भी क्या है, एक विस्थापन ही है। ठीक, तो हम, हमारे पास इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, हमारे पास देखिए टाइम है, हमारे पास समय हमको मिल चुका है टी, उड्डयन काल। ठीक, यहां से यहां तक उस वस्तु को जाने में यहां से यहां तक कितना समय निकलेगा हमें पता है। ठीक, यहां से यहां तक विस्थापन कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है, वही हमें परास बताएगा। तीसरी चीज, हमें इसका वेग पता है, वेलोसिटी पता है, क्षैतिज वेग कितना है, यू कॉस थीटा, है ना। तो अगर हमारे पास क्या क्या है, वेग है, समय है, और विस्थापन अगर बताना है जो कि परास होगा, तो हम फार्मूले से आसानी से ले सकते हैं। कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा है ना, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो अगर हमें विस्थापन निकालना है तो वेग गुणे समय बराबर विस्थापन हो जाएगा। तो उस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे परास आसानी से ले लेंगे। तो परास बराबर जो कि एक विस्थापन ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्षैतिज, कौन सा वेग हम लेंगे, क्षैतिज वेग लेंगे गुणे में समय। ठीक, परास को आर से दर्शाते हैं, क्षैतिज वेग हमारा कितना है यहाँ पे, यू कॉस थीटा है। ठीक, गुड़े में समय, समय को क्या लेंगे, टी ले लेंगे, आर कैलकुलेट कर रहे हैं, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, टी का मान हमने ज्ञात किया है कितना, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आर बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, 2u दो बार है तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक, तो इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे साइन 2 थीटा को। तो साइन 2 थीटा को जब आप पुट करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जो कि क्या है, परास हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, आर का फार्मूला यानी परास हमारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फार्मूले में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पे ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन 2g, और यहां पे क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कंफ्यूज होके इसको स्क्वायर मत समझ लीजिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कभी कभार यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे 2 थीटा लिख देंगे, तो इसको आप ध्यान पूर्वक करेंगे। ठीक, ये आ गया हमारे पास परास। अब नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था मैक्सिमम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई के लिए एंगल क्या होगा, प्रक्षेपण कोण क्या होगा, इसी टाइप से अगर आपसे पूछ लिया जाए
बताइए अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण हमारा क्या होगा, हम किस पर मैक्सिमम परास यानी अधिकतम परास को ज्ञात कर सकते हैं, यानी आर मैक्स। ठीक, तो आर मैक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आर मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल पता करना है। तो यहां पे देखिए फार्मूला, आप यहां पे कितना है, साइन 2 थीटा है, तो थीटा का मान अगर आपको यहाँ पे पूरा साइन 2 थीटा का मान अगर 1 बनाना है, तो थीटा का मान हमें ऐसा रखना पड़ेगा कि वहां पे 90 आ जाए। तो आप ये बताइए कि अगर आप यहाँ पे 90 अगर रख देते हैं डायरेक्ट, तो ये 2 × 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमें 180 डिग्री नहीं बनाना है, कितना बनाना है, थीटा का मान, ये साइन थीटा का मान 90 करना है। तो यहाँ पे अगर 2 ऑलरेडी है, तो अगर हम 45 डिग्री कर देंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो हम थीटा यहाँ पे कितना लेंगे, तो यहाँ पे प्रक्षेपण कोण हमारा 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना, थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, या तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड करके तो 45 डिग्री। तो जब आप 45 डिग्री यहां पे पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी साइन 2 थीटा की। तो हमारे पास जो मैक्सिमम परास मिलेगा, अधिकतम क्षैतिज परास मिलेगा, वो मिलेगा हमें हमारे पास u² / g। ठीक, कितना मिलेगा, u² / g, इसे भी आप नोट कर लेंगे। तो ये 3 तरह की गणनाएं हम करते हैं, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको समझ लेते हैं क्या है। तो अब ये गणना आप अच्छे से कर लेंगे, एग्जाम में ये जरूर आएगा। ठीक, अब देखिए छोटी छोटी जरूरी बातें हैं उनको भी हम ध्यान दे लेते हैं क्या है। सबसे पहली चीज, हमने एच मैक्स कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम हाइट कितना आया था, वो आया था u² / 2g। कौन से एंगल पे, जब हमने थीटा बराबर कितना लिया था, 90 डिग्री पे। तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो हमारा प्रक्षेपण कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और हमने अभी देखा कि जो हमारा मैक्सिमम परास होता है, मैक्सिमम रेंज होगा, अगर उसे हमें प्राप्त करना है, तो थीटा का मान यानी प्रक्षेपण कोण हम कितना रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं। तो ये कितना आता है, फिर ये आता है आपका u² / g। ठीक, अब इन दोनों चीजों को आप देखिए, इन दोनों चीजों को आप ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इसमें आपको कोई सिमिलर चीजें नजर आ रही हैं? तो सिमिलर चीजें नजर ये आ रही होंगी कि यहां पे देखिए ये जो एच मैक्स है, ये u² / g यहां भी है, u² / g यहाँ भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आर मैक्स है, जो परास है, वो दुगुना होता है किसका, एच मैक्स का, महत्तम ऊंचाई का। ठीक, कह सकते हैं ना। तो आप ये चीजें नोट करके आप लिख लेंगे कि जो आर मैक्स होता है, मतलब अधिकतम परास होता है, वो दुगुना होता है किसका, महत्तम ऊंचाई का। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, टिक मार्क वाले क्वेश्चन आपसे कैसे इसमें पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में यही बन सकता है कि एंगल, कि किस एंगल पे हमें महत्तम ऊंचाई मिलेगा, या फिर किस एंगल पे, किस प्रक्षेपण कोण पे हमें मैक्सिमम परास मिलेगा। ठीक, और इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसके बेस्ड पे कैसा पूछा जाएगा कि मैंने कोई भी एक बॉल है मेरे पास, उसको मैं ऊर्ध्वाधर दिशा में 10 मीटर ऐसे फेंका। ठीक, ऐसे जब बॉल को मैं ऊपर फेंका तो वो कितना गया, 10 मीटर गया। तो उसकी ऊंचाई उसने कितनी कवर की, 10 मीटर किया, कितने एंगल पे मैं फेंका, 90 डिग्री पे फेंका। वही गेंद को, मैं उसी गेंद को फिर 45 डिग्री पे ऐसे फेंकता हूं,
तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फिर उसका क्षैतिज प्रास क्या होगा। तो क्षैतिज प्रास क्या होगा, अगर आपको पता है कि जब उसकी ऊंचाई मैक्सिमम ऊंचाई कितना गया, वो 10 मीटर गया, तो क्षैतिज प्रास मैक्सिमम ऊंचाई का दुगुना होता है, तो वो बाल कितना जाएगा, 20 मीटर जाएगा। बात समझ में आया? फिर से देखिए, अब उल्टा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बदलते हैं। मैं एक गेंद को क्षैतिज दिशा में 45 डिग्री पे फेंकता हूं, वो जाता है 40 मीटर जाता है। 45 डिग्री पे मैंने गेंद फेंका ऐसे क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा की गति में, तो वो जाता है 40 मीटर। अब आपसे मैं पूछता हूं कि उसी गेंद को मैं ऊर्ध्वाधर दिशा में 90 डिग्री पे फेंकता हूं, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, डबल जाएगा? नहीं, अभी मैं आपको ये चीजें पूछ रहा हूं। हम मैं ये कितना है, 40 है, तो इसको जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो बॉल फिर 20 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। ऐसे इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तीसरा चीज आप नोट ये करेंगे कि ये जो हमारा परास का प्रक्षेपण कोण होता है, ये दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है। इसको अभी हम समझते हैं, ठीक। तो नोट आप ये करेंगे कि परास के लिए प्रक्षेपण कोण दो तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक। कैसे किया जाता है, इसमें एक बार थीटा बराबर 90 माइनस थीटा लिया जाता है, ठीक। ये दोनों बराबर होंगे परास को कैलकुलेट करने के लिए, इसका प्रक्षेपण कोण के लिए, ठीक। रिजल्ट सेम आता है दोनों में, कैसे आता है तो आप इस चीज को समझिए। ये है हमारे पास परास, यहां पे हमने कोई भी चीज ऐसे ये अभी ड्रॉ नहीं करते हैं, ये हमारे पास परास है। हमने किसी भी चीज को किसी एंगल के साथ जब हम फेंकते हैं तो हम ये पाते हैं कि पहले तो ये इतना गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम कोण बढ़ाते जाते हैं वो ऐसे घटता जाता है, ये ये ये। तो एक समय था कि ये परास बढ़ रहा था, ठीक, कुछ समय तक परास बढ़ा हमारा, लेकिन जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाते गए तो वो परास घटते चला गया। तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि परास को दो एंगल के रूप में हम गणना कर सकते हैं। जो 45 डिग्री हमने अभी पढ़ा आरमैक्स का, 45 डिग्री पे वो 45 डिग्री उसका मिड पॉइंट होता है, एकदम बीच में रहता है, ठीक। एक तरफ हमारे पास थीटा है, दूसरे तरफ 90 माइनस थीटा है, और बीच में रहता है 45 डिग्री, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि रिजल्ट दोनों में सेम आता है, कैसे, तो फार्मूला आप देखिए, हमने अभी आर का फार्मूला क्या लिखा, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जितना आंसर इतना थीटा का मान रखने पे आएगा उतना ही आंसर आपका आता है यू स्क्वायर साइन 2, ये साइन 2, थीटा की जगह पर फिर क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा करने पर भी ये दोनों आंसर सेम देते हैं, परास सेम देते हैं। रीजन क्या है, रीजन यही है कि एक समय तक परास बढ़ता है, फिर जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते हैं परास घटना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो अगर एक ही चीज के लिए दो, मतलब एक दो कोण से हमें एक परास मिल रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आप बताइए अगर यहाँ पे थीटा का मान मैं 30 डिग्री रखता हूं, अगर यहाँ पे मैं थीटा का मान 30 डिग्री रखता हूं और मुझे कुछ परास मिलता है, तो वही रिजल्ट लाने के लिए, वही परास लाने के लिए मैं थीटा का मान और क्या रख सकता हूं, तो आंसर है कि और मैं थीटा का मान क्या रख सकता हूं, 90 माइनस थीटा रख सकता हूं, ठीक। इस तरफ के लिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, 60 डिग्री। तो जो रिजल्ट हमें 60 डिग्री देगा, जितना परास देगा उतना ही परास हमें 30 डिग्री पे भी मिल जाता है, इसलिए हम इसको ऐसा कहते हैं कि प्रक्षेपण कोण परास के लिए दो तरीके से यूज किया जा सकता है। अगेन देखिए, अगर मैं कहता हूं कि थीटा का मान 40 डिग्री है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसके लिए फिर दूसरा कोण क्या होगा परास ज्ञात करने के लिए।
तो दूसरा कोण क्या हो सकता है 90 माइनस थीटा। तो जब यहाँ पे थीटा 40 है, 90 माइनस थीटा किए तो 90 में से 40 गया तो 50 डिग्री आया। ये 40 डिग्री भी हमें सही आंसर देगा और ये 50 डिग्री भी हमें सही आंसर देगा। ठीक, बात समझ में आ गया ना यहां तक। तो ये थी छोटी छोटी चीजें जो जरूरी थी, हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि परास के लिए एक थीटा का मान इतना है तो बताइए दूसरा थीटा वही क्या होगा, दूसरा प्रक्षेपण कोण क्या होगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में। अभी यह टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, अभी इसमें हम और भी चीजें कुछ पढ़ेंगे। धन्यवाद।